भारत सरकार ने अब चीन से आने वाले FDI पर सरकारी मंजूरी लेने का नियम बना दिया है, लेकिन ये नियम बनने के बाद अब चीन तिलमिला उठा है। चीन को ऐसा लग रहा है मानो भारत ने चीन से आने वाले निवेश पर रोक लगा दी हो। चीन ने कहा है कि भारत ऐसा करके चीन के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, जो कि WTO के नियम के खिलाफ है। चीन की ये झटपटाहट दिखा रही है कि भारत के लिए उसकी मंशा ठीक नहीं है। आखिर सरकार ने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि निवेश से पहले सरकार को बताना होगा और मंजूरी लेनी होगी, इसमें गलत क्या है? लेकिन चीन की बौखलाहट ने उसके गलत इरादों पर पर्दाफाश करने का काम किया है। दरअसल अभी तक कुछ मामलों में जैसे डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और इंश्योरेंस को छोड़ दें तो FDI यानी कि विदेशी निवेश को सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती थी। अब सरकार ने यह नियम बनाया है कि भारत से सीमाएं साझा करने वाले देशों से भारत में निवेश बिना सरकार की मंजूरी के नहीं होगा, चाहे वह किसी भी सेक्टर में हो। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत के नियम WTO के गैर भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और मुफ्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं। अधिकारी ने कहा, अतिरिक्त बाधाओं को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के खिलाफ भी है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक बयान में कहा, भारतीय पक्ष द्वारा विशिष्ट देशों से निवेश के लिए लगाई गई अतिरिक्त बाधाएं WTO के गैर भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करती है और उदारीकरण तथा व्यापारीकरण और निवेश को बढ़ावा देने की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ है। भारत ने जो नियम बनाए हैं उन पर चीन ने कहा है कि कुछ खास देशों पर प्रतिबंध लगाना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम का उल्लंघन है। देखा जाए तो भारत के नए नियम सिर्फ चीन पर ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान पर भी तो लागू होते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ चीन को ही हो रही है, इस वजह से कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।